अल्लाह ने जगह जगह कहा है कि जो शैतान है वो आपके लिए अदू मुबीन है, खुला हुआ दुश्मन है। अब देखिए सितम ज़रीफ़ी क्या है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि जिसने हमारी दुश्मनी की और जो अब भी हमारी दुश्मनी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह से उसने मौका मांग लिया बाकी रहने का क़यामत के दिन तक, और साथ में चैलेंज किया कि मैं इन इंसानों को वरगलाऊँगा और गुमराह करूँगा जिनके बारे में आप कहते हैं मौजूद मलाइका हैं, तो एक चैलेंज दे दिया और हम उस चैलेंज का ख्याल नहीं कर रहे हैं। हम ये ख्याल नहीं कर रहे हैं कि हमारा दुश्मन जो था क्या हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए, और जो हमारा मोहसिन है जिसने हम पर एहसान किया, हमारे लिए एक शरफ व करम का मकाम पैदा किया और हमें अता किया, अल्लाह तबारक व तआला जिसने हमें खल्क किया, अशरफुल मखलूक बना के हमारा खालिक है, और खालिक होने के नाते हमारा मालिक बन गया, और खालिक और मालिक होने की वजह से फिर हमें रोजी देता है। ये जाने भी या बिना, ये देखे बिना हम उसकी इबादत करते हैं, फरमानबरदारी करते हैं, या उसकी मुखालफत करते हैं, उसकी नाफरमानी करते हैं। चाहे नाफरमानी हम करें तब भी रोजी देता है, चाहे फरमानबरदारी करें तब भी रोजी देता है, हर तरह से तरह तरह के नियामत से हमें नवाजता है। आप अंदाज़ा कीजिए, हवा से शुरू कीजिए, पानी पर आ जाइए, माँ बाप की शफकत देखिए, दुनिया में जो कुछ है वो हमारे लिए मैसर रखिए, इन चीज़ों को देखिए। कहा गया है कि अगर चाहो नियामतों का शुमार करो, वही तो अगर आप गिनने बैठोगे ला तो हसूहा, इहाता नहीं कर सकोगे, उतनी सारी नियामतें मैंने ए इंसान तुम्हारे लिए पेश की, तुम्हारे लिए रखी, और इन नियामत के मुकाबले में अपने मोहसिन का एहसान चुकाने के बदले, उसकी इबादत करने के बदले हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। हर सुबह और हर शाम, हर दिन, हर साल और हर महीने सिर्फ खुदा की नाफरमानी करते रहते। औबुदूनी यानी मेरी इबादत करोगे, और अगर ऐसा करोगे हादा सरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है खुदा की इबादत करना। इबादत करने से मुराद क्या है, फरमान बरदारी करना, जो अल्लाह के अहकाम हैं उन अहकाम पर अमल करना। अल्लाह ने जो डूज एंड डोंट्स बताए हैं कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदात के अंदर, वो डूज एंड डोंट्स, अवामिर नवाही, ये करो ये चीज़ें ना करो, तो इन चीज़ों को नज़र में रख के कुछ काम करने हैं जो वाजिब है या फिर मुस्तहब है अगर वाजिब नहीं, और कुछ काम नहीं करने हैं क्योंकि वो हराम है, और अगर हराम नहीं है तो कम से कम मकरूह है। तो इन चारों किस्म के कामों का ख्याल रखना है, कुछ काम करने के हैं, कुछ काम न करने के, करने के डूज हैं और न करने के डोंट्स हैं।